हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोली होली वर्ल्ड पर। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एली अवराम के बारे में। कैसे रही है एली अवराम की लाइफस्टाइल, इनकी हाइट, वेट, एज, बॉयफ्रेंड, फैमिली और बायोग्राफी, सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप भी एली अवराम के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इनका रियल नेम दोस्तों एलिजाबेथ अवरामिन डू है और निकनेम इनका एली है, और प्रोफेशन से ये एक एक्ट्रेस है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1990। इनका जन्म हुआ था स्टॉकहोल्म स्वीडन में, और साल 2020 के हिसाब से ये 30 साल की हो चुकी हैं। नेशनलिटी दोस्तों इनके स्वीडिश है और रिलीजन से क्रिश्चियन है। और अगर बात करें दोस्तों इनके फिजिकल अपीयरेंस की, तो इनकी हाइट 5 फुट 7 इंच है, इनका वेट है 54 kg, और इनका फिगर मेजरमेंट है 34-28-34। आई कलर इनका ग्रीन है और हेयर कलर इनका ब्लैक है। बात करते हैं एली अवराम के एजुकेशन के बारे में। दोस्तों इन्होंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन किया स्टॉकहोल्म से, और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री इन सोसाइटी इकोनॉमिक्स। अब मिलवाते हैं दोस्तों आपको एली अवराम की फैमिली से। दोस्तों इनके पेरेंट्स की फ़ोटोज़ को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और साथ में उनके नेम भी हैं। और इनकी फैमिली में इनके अलावा इनका एक भाई भी है जिसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एली अवराम की हॉबीज़ के बारे में। इनकी हॉबीज़ है डांसिंग, सिंगिंग और स्केटिंग। और अगर दोस्तों बात करें इनकी नेटवर्थ की, तो इनकी नेटवर्थ है करीब $2 मिलियन। चलिए अब बात करते हैं इनके फेवरेट चीज़ों के बारे में। इनका फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान, और फेवरेट एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय बच्चन, और इनकी फेवरेट फिल्म है देवदास। अब बात करते हैं दोस्तों एली अवराम के कैरियर के बारे में। दोस्तों जब ये 17 साल की थी तो इन्होंने परदेसी डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, जो मेनली बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस परफॉर्मेंस करता था। और इसके अलावा इन्होंने स्वीडन में काफ़ी सारे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी किए थे। साल 2008 में इन्होंने स्वीडन बेस्ड मूवी फॉरबिडन फ्रूकेट में एज ए लीड एक्ट्रेस काम किया था, जिसमें इन्होंने एक टीन गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया था। और इसके अलावा दोस्तों ये साल 2010 में मिस ग्रीक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। फिर दोस्तों ये एज ए टूरिस्ट मुंबई में आई साल 2012 में, और यहाँ आकर इन्होंने देवदास मूवी देखी जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय थे। और इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जब ये मूवी देख रही थी तो इन्होंने अपनी गर्दन को इधर उधर भी नहीं हिलाया, और तभी से इन्होंने सोच लिया था कि ये बॉलीवुड मूवीज में काम जरूर करेंगी। फिर उसके बाद इन्होंने एक मॉडलिंग एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और जल्द ही फिर इन्हें वर्क वीज़ा भी मिल गया। लेकिन दोस्तों इन्हें पहचान मिली थी बिग बॉस सीजन 7 से, जहां इन्होंने एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था। और फिर उसके बाद इन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा सीजन 7 में भी पार्टिसिपेट किया। और अगर बात करें इनके फिल्मी कैरियर की, तो ये काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ में काम कर चुकी हैं, जैसे मिक्की वायरस, किस किस को प्यार करूं, नाम शबाना, पोस्टर बॉयज़, फ्रॉड सैया, मलंग और जबरिया जोड़ी। और दोस्तों इसके साथ साथ ये काफ़ी सारी एड मूवीज़ में भी काम कर चुकी हैं। इनका सबसे पहले एड था एवरेडी बैटरी का, जिसमें इन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया था।